दोस्तों ये देखिए, मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया, मेरे पास एक चैट है और मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को वीडियो कॉल करूँ। तो इसके नाम के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो वीडियो कॉल का ऑप्शन है, यहीं से आप भी वीडियो कॉल करते होंगे। तो जब मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे मैंने कॉल पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे मेरा कॉल लग ये नहीं रहा है। देखा आपने, मैं यहाँ पे कॉल करना चाह रहा हूँ, लग नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ और ही ऑप्शन आ जा रहा है, कॉल नहीं लग रहा है। तो देखो दोस्तों, सारा प्रॉब्लम का समाधान आपको यहीं पे है। अगर आप यहाँ पे वीडियो कॉल पे क्लिक कर रहे हो और कॉल पे फिर क्लिक कर रहे हो और कॉल नहीं लग रहा है, तो आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आ जा रहा होगा, तो सेटिंग पे जब जा रहे होंगे तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे करना क्या है। देखो फिर से मैं आपको बैक करता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉल पे क्लिक किया, वीडियो कॉल पे, फिर यहाँ पे कॉल पे क्लिक किया, सेटिंग खुल गया। तो ये कहना क्या चाहता है भाई? सब कुछ यहीं पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टैप सेटिंग, सेटिंग के ऊपर टैप करो, फिर परमिशन के अंदर जाओ और माइक्रोफोन को ऑन कर दो। तो यहाँ पे मैं गया सेटिंग पे, और यहाँ पे मैं गया परमिशन पे, और फिर यहाँ पे मैं गया माइक्रोफोन पे। तो यहाँ पे देखो माइक्रोफोन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया और अलाउ ओनली वाइल यूजिंग, इस पे क्लिक कर दिया। बैक करो, फिर से बैक करो और फिर से बैक करो, और ये देखो कॉल लग गया, ये देखो कॉल लग गया और कॉल यहाँ पे आ भी गया। देख लो, कुछ लोगों का व्हाट्सएप में कुछ और ही प्रॉब्लम आता है, कुछ और ही समस्या आता है जब वो अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं और यहाँ पे वीडियो कॉल पे क्लिक करते हैं और कॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से समस्या आ जाता है कि माइक और कैमरा का ऑप्शन आ जाता है, कॉल नहीं लगता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो यहीं से आपको सॉल्यूशन कर देना है। लेकिन अब यहाँ पे अगर फिर से आप वीडियो कॉल पे क्लिक करोगे तो फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे यही आ जाता है, यहाँ पे कुछ भी करो कॉल नहीं लगता है। यहाँ पे देखो फिर से क्लिक किया, अब सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो ये आपका तब आया जब आपने डोंट अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे आपको फिर से सेटिंग में जाना है और यहाँ पे कह रहा है टर्न ऑन माइक्रोफोन एंड कैमरा, तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाकर परमिशन में जाना है और यहाँ पे बैक कीजिए, परमिशन में जाइए और यहाँ पे दो सेटिंग आपको ऑन करना है। पहला कैमरा, तो कैमरा में यहाँ पे वो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन रहेगा इस पे क्लिक कर देना है, बैक कर देना है। फिर माइक्रोफोन में सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है, बैक कर देना है, और फिर आप बैक करो और आपका कॉल लग जाएगा। ये देखो मैंने कट किया, अब मैंने यहाँ पे वीडियो कॉल पे क्लिक किया, देखो डायरेक्ट कॉल, देखें डायरेक्ट। ये देखो फिर से मैं आपको वीडियो कॉल पे क्लिक करता हूँ, ये देखो कॉल लग गया। कहीं पे भी कुछ भी मुझसे नहीं कहा कि आप ये ऑन करो वो ऑन करो, डायरेक्ट वीडियो कॉल लग गया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने वीडियो कॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो कॉल लग गया और यहाँ पे वीडियो कॉल आ भी गया। अगर मैं ये पिक करूँगा तो देखो यहाँ पे वीडियो कॉल पिक भी हो गया, बातें भी हो रहा है। ये देखो यहाँ पे पहले माइक म्यूट कर देता हूँ, देख लो दोनों जगह पे वीडियो कॉल लाइव बातें हो रहा है। तो अब आप सभी सीख गए होंगे कि कैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल इनेबल करें। अगर आपका कोई भी वीडियो कॉल नहीं जा रहा है तो उसे वापस से कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके साथ भी किसी को आप वीडियो कॉल कर रहे हो और कॉल नहीं जा रहा है तो उसे ठीक करने का आपको मैंने समाधान बता दिया, इसी तरीके से आप सभी उसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे